हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके साथ, जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि मैं नित्या की कुछ ड्रेसेस हैं उसका कलेक्शन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड इसमें से कुछ कलेक्शन तो मैंने अभी लेटेस्ट बाय किया है और कुछ जो कलेक्शन है वो कुछ टाइम पहले का है। सो मैक्सिमम जो भी ड्रेसेस हैं वो सारी फ्रॉक्स हैं। सो जो भी इसकी बेस्ट फ्रॉक्स थी वो मैंने इस वीडियो में ट्राई किया है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। एंड मैक्सिमम जो फ्रॉक्स हैं वो मैंने फर्स्ट क्राई से ही लिए हैं। अगर मैंने कहीं और से ली होंगी कुछ ड्रेसेस तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। सो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले मैं आपको फ्रॉक दिखाने वाली हूँ ये है मेरी फेवरेट। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल ब्लू कलर की फ्रॉक और ये देखिए आप, ये कुछ ऐसी है और इसके स्लीव्स जो हैं ये आप देख सकते हो, लाइट ब्लू कलर है, बहुत ही प्यारी फ्रॉक है। और ये देखो आप, फ्लेयर कितना ज़्यादा है इसमें और टोटल इसमें लेयर जो है ना 5 लेयर दी हुई हैं। तो ये जो फर्स्ट लेयर है इसमें मेन वर्क दिया हुआ है एंड ये सेकंड लेयर नेट है, थर्ड लेयर इज़ ये कुछ ऐसा चिकना सा कपड़ा है एंड नेट भी इसमें ज्वाइंट दिया हुआ है और उसके बाद ये कॉटन की लेयर है एक, ये देखो आप, ये कॉटन की लेयर दी हुई है। तो इससे आपके बेबी को कुछ भी चुभने वाला भी नहीं है और बेबी भी कंफर्ट रहेगा। तो गैस, जितनी ज़्यादा ये देखने में ब्यूटीफुल है, पहनाने पे और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। नित्या ने जब ये पहना था तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। इसकी अगर पिक होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप देखना कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी इस फ्रॉक में वो। तो उस टाइम मैंने ये फर्स्ट क्राई के स्टोर से ली थी। सो अभी अगर अवेलेबल होगी तो मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, सो आप चेकआउट कर लीजिएगा। सो गाइज, अब आते हैं अपनी सेकेंड ड्रेस पे। तो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल सी पिंक कलर की ड्रेस है। सो अगर आप पिंक कलर में कोई फ्रॉक लेना चाह रहे हैं तो ये देखिए कितनी प्यारी सी फ्रॉक है। एंड गाइज, इसका फ्लेयर देखो आप कितना प्यारा है, ये देखो कितना ज़्यादा और कितना प्यारा फ्लेयर है। सो अगर आप पिंक कलर में कुछ बाय करने की सोच रहे हो तो आप इसे ईजिली बाय कर सकते हो। इसमें भी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, पहला तो इसका जो है नेट है, सो नेट के इसके 3 लेयर दी हुई हैं और इसके बाद ये कुछ शाइनिंग वाला ऐसे कपड़ा दिया हुआ है एंड देन इसके बाद इसमें ये नेट है एंड अगेन इसमें भी कॉटन का लास्ट में फैब्रिक दिया हुआ है। सो इससे भी आपके बेबी को कोई भी अंदर चुभने उभने वाली प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो काफ़ी ब्यूटीफुल सी फ्रॉक है। अगर बर्थडे वगैरह के लिए आप अपनी बेबी के लिए सर्च कर रहे हो तो आई थिंक ये बहुत ही प्यारी ड्रेस रहेगी। आई थिंक ये नित्या ने एक बार ही पहनी हुई है और उसे फ्रॉक ज़्यादा पसंद नहीं है तो वो ज़्यादा फ्रॉक पहनती नहीं है। तो गैस, इसका जो ब्रांड है वो है मार्क एंड मिया। तो इसका भी अगर लिंक अवेलेबल होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ये भी मैंने फर्स्ट क्राई से ही बाय की थी एंड जो फर्स्ट वाली थी इसका ब्रांड था, इसका जो ब्रांड है ये इन्फेंस ब्रांड है, ये भी फर्स्ट क्राई का ही ब्रांड है। सो गैस, अगर इनके लिंक अवेलेबल होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, सो आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो जो नेक्स्ट फ्रॉक है वो है कुछ ये ब्लू कलर की फ्रॉक और ये मैंने ली थी पैंटालून से। सो आप देखो कितनी प्यारी सी है। तो अगर आप ब्लू कलर में कुछ बाय करने की सोच रहे हैं तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपकी बेबी गर्ल के लिए। और इसका जो ऊपर का है ये कुछ ऐसा मतलब वेलवेट का फैब्रिक है। सो ऊपर तो इसमें ऐसे ये नेट दिया हुआ है एंड इसके बाद जो फैब्रिक है ये काफ़ी ऐसा चिकना सा फैब्रिक आता है ना, वो वाला फैब्रिक है ये। सो ये बेबी को आपको मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करने वाला है। और इसके बाद ये अगेन इसमें कॉटन का फैब्रिक दिया हुआ है। सो कुछ 3 लेयर्स में फ्रॉक है। अगर आपकी बेबी गर्ल ज़्यादा हैवी फ्रॉक वेयर करना नहीं पसंद करती है सो आप इस तरीके की जो ड्रेस है ये आपके लिए आई थिंक बहुत अच्छी ऑप्शन है। एंड ये वो ऐसे लगा हुआ है तो काफ़ी ब्यूटीफुल सी लग रही है और आप इसे रेड कलर के सैंडल के साथ अगर मैच करते हैं तो काफ़ी अच्छा मतलब लुक आएगा इसका। तो बैक में ऊपर का फैब्रिक सेम वेलवेट फैब्रिक दिया हुआ है, सेम बैक में ये पैटर्न दिया हुआ है। सो गैस, ये मैंने पैंटालून के स्टोर से लिया था और इसकी अगर ऑनलाइन अवेलेबल होगी ये ड्रेस तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगर आप ब्लू कलर में कुछ सर्च कर रहे हो तो आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट जो फ्रॉक है गैस वो भी काफ़ी सिंपल सी है क्योंकि वो हैवी पहनती नहीं है तो इसलिए मैंने सिंपल सी इसके लिए फ्रॉक ली थी। तो ये देखिए रेड कलर की फ्रॉक है एंड ये फ्रॉक भी मैंने ब्लू ड्रेस के साथ ही बाय की थी पैंटालून के स्टोर से। तो अगर आप कुछ हैवी नहीं पहनाना चाह रहे हैं तो आई थिंक ये ड्रेस आपके लिए काफ़ी मतलब अच्छा ऑप्शन है। और ये देखिए कुछ फ्लेयर इसका काफ़ी अच्छा है और ये देखो कितनी प्यारी सी फ्रॉक है, काफ़ी हल्की और काफ़ी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है आपके बेबी को इसको पहन के। और अंदर जो है इसके एक ही लेयर दी हुई है, ये देखो कुछ इस टाइप की ऐसे लेयर दी हुई है अंदर।
सो ये भी काफ़ी सॉफ्ट सा फैब्रिक है, तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इजीली आपकी जो बेबी गर्ल है वो वेयर कर सकती है। इसमें काफ़ी सारे साइजेस अवेलेबल थे, सो आप अपनी बेबी के हिसाब से इसे अगर बाय करना चाहो तो बाय कर सकते हो। एंड इसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट फ्रॉक पे, सो ये एक डेनिम की फ्रॉक, सो मैंने ये अभी लेटेस्ट ही बाय किया था, और एनिवर्सरी वाला ब्लॉग अगर आपने मेरा देखा होगा तो उसमें मैंने इसको पहनाया था। एक्चुअली ये उसी दिन डिलीवरी हुई थी, तो कुछ इस टाइप की ये डेनिम की ऐसे फ्रॉक है, ऊपर ऐसे कुछ ये दिया हुआ है, ये एक्चुअली में थ्रेड से वर्क बना हुआ है, काफ़ी ब्यूटीफुल सा, और स्लीव्स में इसके यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ है, और यहाँ पे भी बटन दी हुई है, अगर आप चाहो तो ऐसे फोल्ड भी कर सकते हो स्लीव्स। ये कुछ इस टाइप की ड्रेस है, फ्रंट में ऐसे बटन्स दिए हुए हैं, और ये कुछ ऐसी है, ये देखो, और बैक साइड में बिल्कुल सिंपल है, और ये इलास्टिक दी हुई है बीच में, तो ये जो इलास्टिक दी हुई है ये बस लुक के लिए दी हुई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचबल नहीं है। सो ये मैंने अगेन फर्स्ट क्राई से ही लिया था, और अगर आप कुछ ऐसा डेनिम में पहनाना है ना आपको अपनी बेबी को, तो आई थिंक बहुत ही अच्छी फ्रॉक है। एक बार आते हैं एक और फ्रॉक पे, सो ये फ्रॉक है कुछ टू लेयर्स में, सो अंदर की जो इसकी लेयर कुछ ऐसी है, ये देखिए, और यहाँ पे ऐसे इलास्टिक दी हुई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं है बट नॉर्मल है, और ये देखिए कुछ ऐसी सिंपल से प्लेन फ्रॉक है कॉटन में, एंड इसके ऊपर में ऐसे एक जैकेट भी दी हुई है, फ्रंट में तो ऐसे ओपन है, बटन वगैरह कुछ भी नहीं है। सो वियर करने के बाद कुछ ये ऐसी फ्रॉक आएगी, और ये देखो आप नीचे भी इसमें ऐसे डिज़ाइन दी हुई है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी देखने पे। एंड ये पी एस पीचेस समथिंग कुछ ब्रांड है इसका, और ये अभी मैंने लेटेस्ट मंगाया है। सो नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ काफ़ी ब्यूटीफुल सा लहंगा है जो मैंने नित्य के लिए बाय किया था, और ये देखिए ये कुछ ऐसा रेड कलर का इसका टॉप है, काफ़ी ब्यूटीफुल सा। सो जैसे कि आपको पता है अभी फेस्टिव सीजन आ रहे हैं, तो आप इजीली इसे वेयर करा सकते हो। सो कुछ इस टाइप का इसका ऊपर का टॉप है, तो साइड में कुछ यहाँ पे ऐसे हुक दिए हुए हैं, तो ऐसे यहाँ पे ऐसे इसको हमें बंद करना है, और ये कुछ ऐसा लुक आएगा इसका। सो काफ़ी ब्यूटीफुल सा रेड कलर का ये टॉप है, और इसका जो फैब्रिक है वेलवेट में है, और ये मैंने लाइफ स्टाइल से बाय किया था, ये थ्रेड वर्क हुआ है गले में एंड इसके स्लीव्स में। सो काफ़ी ब्यूटीफुल सा टॉप है ये। सो अगर फेस्टिव वेयर में आप लहंगा वगैरह सर्च कर रहे हैं तो आई थिंक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए ये। कुछ इस टाइप की इसकी ऐसे स्कर्ट दी हुई है, और ये कुछ ऐसे डिटेलिंग दी हुई है लेस की, एंड देन ये गोटा पट्टी है, सो काफ़ी अच्छा फ्लेयर इसका है। सो इसके साथ ये ऐसा दुपट्टा भी दिया हुआ है, जो वेथ इसकी दी हुई है कुछ इतनी है, लेंथ इसकी काफ़ी अच्छी दी हुई है। सो गाइस आज के कलेक्शन में मैंने आपको सारी ड्रेसेस जो थी वो दिखा दी हैं, एंड मैंने उसके लिए कुछ सैंडल भी मंगाई थी, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना सैंडल भी शेयर कर देते हैं आपके साथ। ये फर्स्ट सैंडल है जो मैंने उसको आई थिंक एनिवर्सरी वाले व्लॉग में पहनाई थी, आपने अगर देखा होगा, एक्चुअली उसी दिन ये मुझे रिसीव हुई थी। आपको बहुत सारे साइजेस जो है वो मिल जाएंगे, ये मैंने फर्स्ट प्राइस से ही ऑर्डर किया था, सो इसका भी अगर लिंक होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ये ऐसे सैंडल हैं जो आप इंडियन वेयर के साथ भी पहना सकते हैं, एंड वेस्टर्न में भी ये चल जाएंगी। सो ये कुछ येलो कलर के सैंडल हैं, और ये देखो अभी मैंने इसका टैग भी नहीं निकाला। सो ये ब्रांड बेबी ओए ब्रांड है, फर्स्ट क्राई का ही ब्रांड है, इसका भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी अगर अवेलेबल होगा तो। एंड इसके अलावा कुछ मैंने उसके लिए हेयरबैंड्स लिए थे, सो मैं पास में ही DIY का स्टोर है, वहाँ से मैं इसके लिए ये हेयरबैंड लाई थी। ये कुछ ऐसा बो टाइप में एक ऐसा हेयरबैंड है, एक्चुअली उसे बहुत ज़्यादा शौक नहीं है हेयरबैंड लगाने का, तो बट मुझे पसंद है तो मैं उसके लिए ले लेती हूँ। तो ये दो सेम डिज़ाइन में मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर में लिया था, और इसके बाद ये एक क्राउन टाइप में ऐसे पिंक कलर का हेयरबैंड है, मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था, और वो अभी तो नहीं लगाती है बट आई थिंक थोड़ी बड़ी होगी तो कभी ना कभी तो लगाना शुरू ही करेगी। सो ये मैं उसकी पिंक कलर की फ्रॉक के लिए लेकर आई थी, तो अगर मतलब वेयर कर लेगी तो मैं उससे ज़रूर पहना दूंगी। सो ये सारे आइटम्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, एंड गाइस इन सभी प्रोडक्ट्स में से जिनके भी लिंक अवेलेबल होंगे मैं ट्राई करूँगी कि आपको मैं प्रोवाइड कर दूँ, सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा। सो गाइस आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, एंड आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो गाइस मिलते हैं अब आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।